सिंगरौली में खनिज विभाग और पुलिस अमले ने संयुक्त कार्यवाही कर रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा, साथ ही रेत के अवैध भंडारण को भी अपने कब्जे में लिया है। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर खनिज विभाग के अधिकारी एवं पुलिस अमले ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें ग्राम चंदावल से एक ट्रैक्टर को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही कार्रवाई के दौरान शाहपुरा डूब में रेत का अवैध भंडारण भी मिला, जहां रेत भंडारण संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रेत को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।